प्रणाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, मुझे पता है बच्चों कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा ऑलरेडी सिलेबस खत्म हो चुका है, पर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम अभी भी चल रहा है। ठीक है, सो उन लोग कृपया इस वीडियो को देखें। मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो आप अपने 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, कवर करने में समय लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, सो हमारे जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ पे जाके 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई अभी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग ने इस लेसन को स्टार्ट कर ही दिया है तो इसे ख़त्म ही कर दिया जाए। ठीक है, और थोड़े अच्छे तरीके से ख़त्म किया जाए ताकि जो आने वाले बच्चे होंगे जो अभी 10th स्टैंडर्ड पास किए हैं और 11th में आए हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो इस लेसन से। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि 11th बायोलॉजी में हम लोगों ने 15th लेसन शुरू किया था एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो ये लेक्चर नंबर 8 है, इसका मतलब ऑलरेडी 7 लेक्चर इस चैनल पे अवेलेबल है इस लेसन के बारे में। तो पहले उन सारी चीज़ों को देख लेना और स्पेशली लेक्चर नंबर 7 जरूर से देखना बच्चों, क्योंकि वहाँ पर मैंने कई केसेस बताए थे। ठीक है, कई नहीं मतलब एक केस बताया था और उसका नेक्स्ट केस आज हम लोग स्टडी करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। सही बात है। ठीक है, तो उस केस को हम लोग प्यार से बच्चों कहते हैं रास। सही है, तो इस रास का राज आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इस रास का एक फुल फॉर्म है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों। ठीक है, सो आज बच्चों हम लोगों को इसके बारे में ही थोड़ी सी बातें करनी है, क्या होता है ये डिटेल में समझेंगे। लास्ट तक देखना इस वीडियो को, इस लेक्चर को एकदम एंड तक देखना ताकि आप लोग को ये सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ जाए। सही है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ एक छोटी सी चीज़ है कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो इसे ज़रूर से डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन के अंदर। और यदि आप लोग को कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछने, तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे एकदम फ्रीली। सही है, तो आप वहाँ पे आके मुझसे बातें कर सकते हैं। चलिए बच्चे स्टार्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर जिसमें हम लोग रास्क पे से पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, रास्क का पर्दाफाश करेंगे। थोड़ा अजीब सा ऐसा लग रहा है कि मैं कोई न्यूज़ चैनल चला रहा हूँ ना, पर चलो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। देखो कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाई हुई हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करो। मैंने आपको बच्चों यूरिन फॉर्मेशन सिखाया था। सही है, अब मैं वापस पूरा नहीं बताने वाला हूँ, इसीलिए मैंने लास्ट वाली स्लाइड ही यूज़ कर ली जो मैंने लास्ट टाइम समझाने के लिए यूज़ की थी। यूरिन फॉर्मेशन 3 टाइप के हैं, अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सबसे पहले यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, फिर ये वापस एब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ से सिक्रीशन होता है। ये 3 टाइप हैं। चलो आगे बढ़े। फिर मैंने बच्चों आपको ब्लड प्रेशर बताया था। अब ब्लड प्रेशर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारे जनरल सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो हमारे इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो रेट है यानी जो आपका जो GFR है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या चेंजेस होना चाहिए। यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा है ना बच्चों, इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते थे याद है? मैंने आप लोगों को बताया था ना, इट इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, NFP। ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होना चाहिए, ये 10 mmHg होना चाहिए। तो इसको कैसे हम मेंटेन करें वो हम लोग समझ रहे थे लास्ट वाले लेक्चर से। मैंने बच्चों आपको केस 1 पढ़ाना शुरू किया था। केस 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लो आपका जो जनरल सर्कुलेशन है, आपका जो जनरल सर्कुलेशन वाला टॉपिक है, उसमें अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है या आपका डायलेट हो जाता है और यहाँ पे जो भी आपके जो भी आपके कैल्शियम के चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम यहाँ से धड़ाधड़ अंडर आने लगता है। कैल्शियम का फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करने का। तो कैल्शियम क्या करता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ से चीज़ें अंदर आ जाती है, मतलब ये पतला हो जाता है और यहाँ से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। भले ही आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, इसको फर्क नहीं पड़ता, इसका ब्लड प्रेशर अभी भी 10 mmHg ही रहेगा, इसको फर्क नहीं पड़ता है, सब चंगा सी। समझ रहे हो? ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोगों को पढ़ना है बच्चों केस 2। इसका अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस चीज को मैं मिटाने जा रहा हूं। ले लिया? वीडियो को पॉज करके ले लो। ले लिया? चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो इस चीज को मैं मिटाने जा रहा हूं बच्चों, क्योंकि मुझे केस 2 पढ़ाना है आप लोगों को। चलो थोड़ा सा समय लग जाएगा शायद। डिलीट। आ गया। डिलीट ऑल्सो। डिलीट है। ठीक है,
ये मैंने अभी तक इसीलिए रखा था बच्चों, ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा सकूं। आ गया डिलीट का ऑप्शन। अरे डिलीट का ऑप्शन पीछे चला गया। चलो कोई बात नहीं, इसको ना अपन ऐसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब चलो बच्चों हम लोग बात करते हैं केस टू की। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर टू। लेट्स टॉक अबाउट केस टू। केस टू, सेकेंड केस की हम लोग बात करेंगे। अब हमको देखना है बच्चों कि अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो क्या होगा। तो होगा बच्चों रास। ठीक है, रास की बातें हम लोग करेंगे। अब कुछ चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं जो आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जैसे ये सब मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, और ये बनाना ज़रूरी भी है बच्चों। लाइक दिस इज अवर ग्लोमेरुलस, नहीं, दिस इज अवर बाउमेंस कैप्सूल। फिर यहाँ से आया है अपना पीसीटी। अब इसको थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा यार। ठीक इज बेटर, दिस इज अवर पीसीटी। फिर अब मैं इस साइड बना रहा हूँ। ठीक है, कोई बच्चा डरना मत। अवर लूप ऑफ हेनलेस। ठीक है, हेनलेस लूप थोड़ा मोटा हो जाता है यहाँ से ये, और यहाँ से इसका PCT, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा अपोजिट साइड बनाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों को सब कुछ समझेगा। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, यहाँ से क्या है, यहाँ से आपकी करंट, सॉरी एफरेंट। ठीक है, और दिस इज योर इफरेंट। सही बात है। अब केस क्या है बच्चों, केस ये है कि नॉर्मल आपका जो सर्कुलेशन है, दिस इज द नॉर्मल सर्कुलेशन, दिस इज द बॉडी सर्कुलेशन। नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं कह सकते, लास्ट टाइम मैंने क्या वर्ड यूज किया था, बॉडी सर्कुलेशन। अच्छा, लास्ट टाइम वाला ही तो मिटा दिया मैंने। चलो बात करते हैं हम लोग, दिस इज द बॉडी सर्कुलेशन, बॉडी सर्कुलेशन, जहां पे आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है। अब ये क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आपका हार्ट है, हार्ट से जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आपके सेल्स की तरफ, फिर वो सेल्स ऑक्सीजन लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ भेज रहे हैं। सही है, फिर उसके बाद वापस आपका हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, और आपके जो लंग्स है उनकी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है ताकि ऑक्सीजनेट हो सके। फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं हार्ट की तरफ, हार्ट वापस पंप कर दे रहा है। तो यही वो पूरा सिस्टम है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब हमको कंडीशन समझनी है बच्चों। मान लो अगर आपका ब्लड प्रेशर हो जाए कम, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर मान लो हमारा ब्लड प्रेशर हो जाए कम, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। पहला ऑप्शन, तो अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो आपके मन में पहला ऑप्शन आ रहा होगा कि सर हम लोग इसको डायलेट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको डायलेट कर दे, इसको बड़ा कर दे। तो बड़ा करने के बाद क्या हो जाएगा, यहां से ब्लड आराम से अंदर आ जाएगा और इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आपने लास्ट का लेक्चर देखा है तो आपकी ये बातें सही है, पर बच्चों होता क्या है बताएगा, अगर आप इसको डायलेट करोगे ना, तो लास्ट वाले लेक्चर बताया था मैंने, आप इसको डायलेट करोगे तो इसके अंदर प्रेशर सेंसिटिव कैल्शियम के चैनल्स प्रेजेंट है, और अगर जैसे ही वो इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे आप, जैसे इसको डायलेट करोगे, वो प्रेशर सेंसिटिव कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो जाएगा, कैल्शियम उसके अंदर से अंदर आएगा और वो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर फिर से छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो, तो हम लोग इसको डायलेट नहीं कर सकते। समझ रहे हो, हम लोग इसको डायलेट नहीं कर सकते। आप इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हो पर इसको वापस डायलेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दैट कैल्शियम चैनल्स। सही बात है। अब दूसरा क्या तरीका किया जाए, दूसरा क्या तरीका ढूंढा जाए, वो थोड़ा सा हमें बात करना है आज के इस टॉपिक में। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बच्चों, प्यार से ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ आप लोग को समझ में आएगा। देखो क्या हुआ है बच्चों, ब्लड प्रेशर हो गया है कम। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा ही थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर। जब अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे कम प्रेशर से चीजें आएंगी। ठीक है, यहाँ पे जो कम प्रेशर से चीजें आएंगी तो आपका जो GFR होगा, जो आपका GFR होगा, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन रेट है बच्चों, वो भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। सही है, तो इसका मतलब कम रेट से, थोड़े कम प्रेशर से आपका जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होगा, जैसे मान लो नॉर्मली 10 पे हो रहा था, अभी 5 पे, 6 पे, 7 पे हो सकता है। सही है, अब यहां पर फिल्ट्रेशन हुआ, मान लो GFR आपका कम हो गया,
जीएफआर आपका क्या होगा, आपका कम हो गया। ये कम होना नहीं चाहिए, 10 ही होना चाहिए, पर अभी कुछ समय के लिए ये कम हो जाता है, कुछ समय के लिए कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द लो ब्लड प्रेशर। अब क्या क्या होगा आप लोग समझेंगे, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा कम हो गया। अब इसके अंदर बच्चों आयंस आ गए, कौन आ गया इसके अंदर, आयंस आ गए, बहुत सारे आयंस आ गए। मान लो इसके अंदर सोडियम के आयन आ गए, सीएल के आयन आ गए, मान लो इसके अंदर पोटेशियम के आयन आ गए, सही बात है, इसके अंदर अलग अलग आयन आ गए। अब आप लोग को पता है कि ये आयंस यहां से मूव करते हैं, आपके पीसीटी से मूव करते हैं, और पीसीटी में एक चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। एक चीज होती है ना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। पड़ा हुआ है तो मतलब ये जो आपकी क्या ट्यूब है ये वापस ऐसे छोटे छोटे कैपिलरीज में बंटती है, सही है ना। ये जो ट्यूब है बच्चों ये वापस क्या होगी, ऐसे छोटे छोटे कैपिलरीज में बटेगी, ऐसे जाएगी, सही है, ऐसे छोटे छोटे कैपिलरीज में बटती है, ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बहुत पहले से, लेक्चर नंबर 2, 3, 3 या 4 से हम लोग ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। दीज आर द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ध्यान से सुनो समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनोगे सब समझ में आएगा। क्या बोला मैंने, आपका जीएफआर कम हो गया है, ठीक है, जो जीएफआर है वो क्या हो चुका है, कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, बिकॉज आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। तो ब्लड प्रेशर कम हुआ तो उतने ही स्लो रेट से आपका कौन आ गए, आपके आयंस है। अब बच्चों जब आयंस बहुत ही कम आए हुए हैं ना, जब बहुत ही आयंस कम आए हुए हैं ना, तो वो बहुत ही स्लो स्लो मूव करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, जब बहुत ही कम आयन आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही कम आयन यहाँ पे आए हुए हैं ना, तो वो बहुत ही ज्यादा स्लो 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 मूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्लो स्लो मूव करते हैं। तो यहाँ पे आगे मान लो आयन, पर ये बहुत ही स्लो स्लो जा रहे हैं। पहले ज्यादा आयन आता था, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आता था, तो वो फास्ट मूव करते थे बिकॉज प्रेशर ज्यादा था, पर अभी प्रेशर कम हो गया है, जीएफआर कम हो गया है। क्यों कम हो गया है बच्चों, बिकॉज आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया मेन बॉडी का, तो मेन बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से आपका जीएफआर कम हो गया, जिसके वजह से जो आयन है ना वो भी स्लो मूव कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा पानी नहीं है, ज्यादा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब ये धीरे धीरे डा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं बच्चों, धीरे 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 जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, सही है। जब ये बहुत ही स्लो जाते हैं ना, तो इस कंडीशन में होते, दिस इज द पीसीटी, ये पीसीटी वाला एरिया है, पीसीटी आप लोग को पता है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। सो यहां पे ना बहुत ज्यादा आयन रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। क्यों बहुत ज्यादा, सारे के सारे, सारे तो नहीं पर ऑलमोस्ट 70-80% जो आयंस है ना वो पूरे के पूरे कहाँ चले जाते हैं, आपके जीएफ, आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चले जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि इनका मूवमेंट बहुत ही स्लो है। अब जितना स्लो मूवमेंट है उतना ही इनको पकड़ना आसान है। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे और एकदम फास्ट दौड़ रहे हैं, तो भैया अगर मान लो 100 बच्चे एकदम फास्ट दौड़ रहे हैं तो मुझे बहुत कम लोगों को पकड़, जैसे मान लो मैं इस एरिया में खड़ा हूँ, ठीक है, इतने से एरिया में खड़ा हूँ और वहां से 100 बच्चे दौड़ के यहाँ से वहां जा रहे हैं। अब अगर वो बहुत फास्ट जा रहे हैं तो मैं बहुत ही कम बच्चों को पकड़ के यहाँ ला सकता हूँ, बहुत ही कम बच्चों को पकड़ के यहाँ ला सकता हूँ बिकॉज वो बहुत ही फास्ट दौड़ रहे हैं। पर अगर वो बच्चे ऐसे धीरे 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 दौड़े, तो ऐसे धीरे धीरे दौड़े तो बच्चों तब तो भैया मेरे पास चांस है ना कि जब तक वो एक बच्चा यहाँ पहुंचा मैं उठा के यहाँ रखूंगा, फिर वो पीछे के बच्चे धीरे धीरे दौड़, फिर वहां आया फिर उठा के यहाँ रख दूंगा, फिर आया फिर उठा के यहाँ रख दूंगा, फिर आया फिर उठा के यहाँ रख दूंगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मतलब अगर आयंस का मूवमेंट बहुत ही स्लो होने लगे, आयंस का मूवमेंट बहुत ही स्लो होने लगे तो यहां से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आयन आपके रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, कहां पर, आपके इस पैरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में, कैपिलरीज में रीएब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चों, अलग लेवल पे रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो मतलब यहां से बहुत ही कम आयन लूप ऑफ एनले को क्रॉस करेंगे और बहुत ही कम आयन पहुंचेंगे कहां पे, आपके डीसीटी के पास, बहुत ही कम आयन पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम आयन्स को यहीं पे पकड़ लिया गया, मैक्सिमम आयन्स को यहीं पे पकड़ लिया गया क्योंकि इनकी मूवमेंट स्लो थी। वाई इनकी मूवमेंट क्यों स्लो थी बच्चों, क्योंकि प्रेशर कम था, यहाँ पे प्रेशर ही कम था, वाटर ही कम आया, तो कम प्रेशर की वजह से इनका मूवमेंट ही स्लो था। प्रेशर क्यों कम था, बिकॉज ब्लड प्रेशर ही कम है, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, केस टू, सेकंड केस अपना क्या है बच्चों, कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर ही क्या है, कम है, ठीक है, ब्लड प्रेशर ही क्या है, कम है। अब जैसे ही बच्चों ये पहुंचता है आपकी डीसीटी पर, दिस इज द डीसीटी,
नीचे लिखना चाहिए। डीसीटी पे पहुंचता है बच्चों, इस डीसीटी पे एक बहुत ही स्पेशल सेल्स लगे हुए हैं, यहां पर एक बहुत ही स्पेशल सेल्स लगे हुए हैं, इनको अलग कलर से बनाना चाहिए। मान लो पिंक दिखे यार तुम लोगों, पिंक दिख रहा है, चलो पिंक दिख रहा है शायद ना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो यहां पे बच्चों एक बहुत ही स्पेशल सेल लगे हुए हैं, इन सेल को हम लोग कहते हैं मैक्यूसा डेंसा, ठीक है मैक्यूला, आई एम सो सॉरी, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं मैक्यूला डेंसा। कहां लिखे अब नाम, इसके अंदर लिख दूं, इसके अंदर लिख दूं, दिस सेल्स आर नोन एज मैक्यूला, मेरे हिसाब से इधर ए है, ठीक है एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से बच्चों इधर ए है, जस्ट अ सेकेंड, मैक्यूला डेंसा, समझ में आई बात, समझ में ही बात, ठीक है। क्या बोला मैंने अभी तक समझ में आया है, क्या बोला मैंने समझ में आया है, मैंने क्या बोला बच्चों कि अभी हम लोग एक केस पढ़ रहे हैं, जिस केस में, केस नंबर टू, केस नंबर वन लास्ट वाले लेक्चर में हो गया था, केस नंबर टू में ब्लड प्रेशर हो गया है कम, ब्लड प्रेशर क्या हो गया है कम, सही है। इस कम ब्लड प्रेशर की वजह से यहां से बहुत थोड़ा 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 ब्लड जा रहा है, थोड़ा 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 ब्लड जा रहा है, जिसकी वजह से ये GFR, ये जो GFR का रेट है वो भी कम हो गया है। GFR का नॉर्मल रेट होना चाहिए था 125 ml/min, सही है, पर अब इसका रेट कम हो गया है, बहुत ही कम रेट हो गया है इसका। कम रेट होने की वजह से यहां में जो, यहां पर जो आयंस है ना बच्चों, इन आयंस का मूवमेंट हो गया है स्लो, ठीक है, इन आयंस का मूवमेंट क्या हो गया है, स्लो हो गया है। अब मैंने बताया था आप लोगों को PCT में होती है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन के तहत क्या होना चाहिए कि इसमें से कुछ आयन निकल के यहां चले जाए पर बाकी के जो आयन्स है वो यहां पे आगे चले जाए, सही बात है, पर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, ज्यादातर जो आयन है वो रीएब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनका मूवमेंट स्लो है। जैसे मैंने तुम लोग एग्जांपल दिया ना कि बहुत सारे बच्चे अगर भाग रहे हैं, अगर वो स्पीड से भाग रहे हैं तो मैं बहुत ही कम बच्चों को पकड़ के रख पाऊंगा, बहुत ही कम बच्चों को वापस रिटेन कर पाऊंगा, लेकिन बच्चे स्लो स्लो भाग रहे हैं, एकदम धीरे 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 ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, तो मैं भैया मैं फटाफट बच्चों को रख लूंगा ना यहाँ पे, तो मैं ज्यादा बच्चों को अलग कर लूंगा। इसी तरीके से यहाँ पे आयन्स जो है ना बच्चों वो स्लो 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 भाग रहे हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है आपके पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी में, इनका रीएब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है। अब इनका रीएब्जॉर्प्शन फास्ट हो गया जिनकी वजह से यहाँ पर आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ठीक है, जिनकी वजह से बच्चों यहां पर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। अब ये आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम वाली चीजें जैसे ही पहुंचती हैं आपके डीसीटी में, इस डीसीटी में एक स्पेशल सेल लगा हुआ है जिसका काम है, जिसका नाम है मैक्यूला डेंसा, और इसका फंक्शन क्या है बच्चों, इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करना, ठीक है, इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करना बच्चों। अब मान लो बहुत ही कम आयन कॉन्सेंट्रेशन पहुंचा, इस कंडीशन में बहुत ही कम आयन कॉन्सेंट्रेशन पहुंचा, तो उसी टाइम पे बच्चों ये हो जाएगा एक्टिवेट, ये जो सेल्स है ना बच्चों ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और उस कंडीशन पे ये मैसेज भेजेंगे किसको, ये मैसेज भेजेंगे बच्चों यहां पर, ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज एफरेंट एट्रियोल, ठीक है, दिस इज एफरेंट एट्रियोल, क्या मैं इसको मिटा दूं बच्चों, मुझे थोड़ा और जगह चाहिए, कैन आई मिटा दूं, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अगर इसमें से कुछ मिट गया तो बच्चों मुझे तुम लोग बोलोगे सर बताते नहीं हो, स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिए, ठीक है हो गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो, आपका ये जो एफरेंट एट्रियोल है, इस एट्रियोल में बच्चों यहां पर एक स्पेशल सेल होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन पे बच्चों एक बहुत ही स्पेशल सेल होता है, ठीक है, इस स्पेशल सेल को हम लोग कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है, इन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दीज आर द जक्स्टा ग्लो मैरुलर, ग्लो मैरुलर है, हाँ ग्लो मैरुलर, समझा, इसे आप शॉर्ट में प्यार से जेजी सेल भी बुला सकते हो, ठीक है, प्यारा नाम है इसका, प्यार से बुलाते बच्चों, सुनु मनु है, ठीक है, तो इसको, इस जक्स्टा ग्लो मैरुलर सेल को आप जेजी सेल भी बुला सकते हो। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, दिस सेल
इज प्रेजेंट ऑन एफरेंट आट्रियोल। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है ये? एफरेंट एट्रियोल में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? क्लियर है? ठीक है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जिसे जेजी सेल बोलते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है? आपके एफरेंट एट्रियोल में। सो दिस इज योर एफरेंट एट्रियोल। कहानी कहां तक पहुंची थी कि भैया आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, कम कॉन्सेंट्रेशन वाले आयन्स पहुंचे हैं कहां पे? आपके इस सेल के पास पहुंचे हैं। जो सेल कहां पड़ा हुआ है? डीसीटी में, यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में पड़ा हुआ है ये सेल। दिस सेल नोन एज मैक्यूला डेंसा। ठीक है, नाउ दिस सेल आर गोइंग टू गिव अ सिग्नल। ठीक है, ये जो सेल्स है ना बच्चों, ये सिग्नल देंगे किसको? इस जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल को। भैया ये सेल बोलेंगे कि भैया बहुत ही खराब कंडीशन आ गई है, ठीक है, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सही है, तो दिस सेल आर गोइंग टू गिव सिग्नल, दिस सेल्स आर गोइंग टू गिव सिग्नल टू जे जी सेल्स। ठीक है, एंड इन द रिस्पॉन्स ऑफ द सिग्नल फ्रॉम मैक्यूला डेंसा, जे जी सेल रिलीज अ प्रोटीन विच इज नोन एज रेनिन। ठीक है, ये एक प्रोटीन रिलीज करते हैं बच्चों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेनिन ही है शायद, यहां पर समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, ई नहीं है, सॉरी ई नहीं है। ओके, आर वी क्लियर्ड? यहां तक समझ में आया है बच्चों आप लोग को? मैंने क्या समझाया आप लोग को? मैंने क्या समझाया आप लोग को? वापस सुनो, नहीं समझा तो। केस क्या है? केस स्टडी सेकंड क्या है? ब्लड प्रेशर हो गया है कम। ब्लड प्रेशर कम है तो बहुत ही धीरे धीरे ब्लड जा रहा है अंदर, ब्लड धीरे धीरे अंदर जा रहा है, जिसके वजह से आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो गया है? कम। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही आयन तो आए हैं, बट बहुत ही कम वाटर आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका जो मूवमेंट है पीसीडी लूप ऑफ एनलर डीसीटी में, ये बड़ा ही स्लो हो गया है। सही बात है। अब ये स्लो मूवमेंट की वजह से बहुत सारा जो आयन है उसे पकड़ पकड़ के कहाँ डाल दिया गया? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में डाल दिया गया, बिकॉज इनका मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो था। ठीक है, स्लो मूवमेंट की वजह से ये फटाफट कहाँ चले गए? आपके पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में चले गए, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम आ गया। ठीक है, यहाँ पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम आ गया। जैसे ही ये कम कॉन्सेंट्रेशन वाले आयन डीसीटी में पहुंचे, डीसीटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल पड़ा हुआ था, जिनका नाम क्या है? मैक्यूला डेंसा। नाउ दिस मैक्यूला डेंसा आर गोइंग टू गिव सिग्नल टू द सेल प्रेजेंट इन द एफरेंट एट्रियोल, विच इज नोन एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ठीक है, इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जिनको हम लोग प्यार से जेजी सेल भी बोलते हैं। ये सेल इनको सिग्नल देते हैं कि भाई भाई सुन भाई, यहाँ पे ना क्या कम हो गया है? आयन्स कम हो गए हैं। तो इससे इनको क्या पता चल रहा है कि भैया आयन्स कम हो गए हैं, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो गया है। ठीक है, आयन्स कम हो गए हैं मतलब ब्लड प्रेशर कम हो गया है। सही है, एंड ऑन द रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स में आपका जो जेजी सेल है बच्चों, वो एक प्रोटीन रिलीज करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेनिन। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेनिन। आर वी क्लियर टिल नाउ? क्या हम अभी तक यहां तक समझ में आ गए हैं चीजें? ठीक है, अब यहां पे थोड़ा खिचड़ी पच जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, यहां पे थोड़ा खिचड़ी ना मचे, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा आगे अलग वाले स्टेप में चलते हैं। चले आगे, यहां पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहां पे हेडिंग भी दिया है, मैक्यूला डेंसा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। अच्छा, इसको एक और चीज बता दूं कि इन दोनों को अगर आप साथ में ले लोगे तो इनका एक नाम है। अगर इन दोनों को आप साथ में लोगे ना, तो इस दोनों को साथ में हम लोग कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। एपरेटर नहीं रे, एपरेटस, TUS ठीक है, पहली हो जाती है बच्चों कभी कभी मिस्टेक, कोई बात नहीं। ठीक है, सो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का मतलब क्या है? कुछ नहीं, आप अपना मैक्यूला डेंसा और इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों के एडिशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। बात समझ में आ गई। अब आगे की कहानी समझते हैं। रेनिन हो गया है रिलीज, ठीक है, क्या हो गया है आपका? रेनिन रिलीज हो गया है आपके इन सेल द्वारा। Now what next? What next? Let me make the diagram again. इस बार छोटा ही बनाऊंगा।
डी टी दिस इज कलेक्टिंग टेम्पल सही है। ये है आपके करंट बच्चों, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं चीजों को कितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। यहां तक क्लियर है? आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर होंगी एकदम अच्छे से। अब यहां पे मैंने आपको बताया बच्चों, यहां पे एक सेल थे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, सही है। नाउ दे यूज टू रिलीज, अब ये बाहर रिलीज नहीं करते, एक्चुअल में ये सेल के अंदर ही रिलीज करते हैं। मैं बाहर सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ बाहर ऐसे दिखा रहा हूं। ये आपके इस ब्लड के अंदर ही रिलीज करते हैं रेनिन, रिलीज करते हैं ये रेनिन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये रेनिन यहां गया, फिर यहां से ये पहुंचेगा आपके इफरेंट एट्रियोल में, फिर ये इफरेंट एट्रियोल यहां से बच्चों डिवाइड होता है। अब ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, ये यहां से पेरिट्यूबुलर बनाएगा बहुत बड़ा सा, ठीक है, और ये ऐसे पेरिट्यूबुलर यहां से बना दिया, फिर ये पेरिट्यूबुलर ऑक्सीजन देने के बाद यहां से निकल जाएगा, सही है। नाउ इट इज रीनल वेन, अब ये रीनल वेन है और इस रीनल वेन में क्या प्रेजेंट है बच्चों, आपका रेनिन प्रेजेंट, सही है। कहां क्या प्रेजेंट है आपका, रेनिन प्रेजेंट है, क्लियर है। अब ये जो सेल है ना, अब ये जाता है बच्चों आपके नॉर्मल ब्लड के अंदर मिक्स हो गया, और वो ब्लड अब पहुंचता है आपके किसके पास पता है, वो पहुंचेगा आपके लिवर के पास, ठीक है। तो इसको आगे अपन थोड़ा सा बनाते हैं, ये पहुंचेगा आपके लिवर के पास, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको दो मिनट के लिए भूल जाओ, हेडिंग को दो मिनट के लिए भूल जाओ, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस पर भी अपन आएंगे, पर अभी जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर दो मिनट के लिए इस हेडिंग को भूल जाओ, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि यहां से एक ब्लड वेसल निकली है, यहां से एक ब्लड वेसल निकली है, ठीक है, कहीं से भी मान लो यहां से एक ब्लड वेसल निकली है, पूरा वापस नहीं बनाऊंगा, और इसके अंदर पड़ा हुआ है बच्चों रेनिन, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गया है बच्चों, आपका रेनिन आ गया है, दिस इज रेनिन, सही है। अब ये घूम घूम के कहां तक जाएगा, आपके सेल तक जाएगा, मान लो ये कहीं भी घूम घाम के आपके पूरे के पूरे बॉडी तक जाएगा, और ये अब मैं पूरा वापस बना नहीं रहा हूं, और मान लो ये है आपका पूरा का पूरा ब्लड। अब यहां पे पड़ा हुआ है एक ऑर्गन, बहुत ही प्यारा ऑर्गन, जिसे हम लोग कहते हैं लंग्स, ठीक है, दिस इज लंग्स, उल्टा बना दिया क्या मैंने, ठीक है, दिस इज अवर लंग्स, कैसे ही बना दो, समोसे की शेप का बना दो चलेगा। अब ये जो लंग्स है ना बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिलीज करता है, बट वो प्रोटीन ना इनएक्टिव होता है, सोया हुआ रहता है, ठीक है। उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं एंजियोटेंसिनोजेन, क्या बोला मैंने समझा, मैंने क्या बोला बच्चों कि आपका ये जो रेनिन है ये रिलीज हुआ, कहां से रिलीज हुआ, किडनी से रिलीज हुआ, वो सब मैं नहीं बता रहा हूं। फिर ये गया ब्लड में गया, अब यहां पे आ गई है बात आपकी लिवर की, दिस इज लिवर, लिवर एक प्रोटीन बना रहा है जिस प्रोटीन का नाम है एंजिनोटेंसिनोजेन, ठीक है, एंजिनोटेंसिनोजेन, सही बात है। अब ये एंजिनोटेंसिनोजेन बच्चों एक इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव मान लो सोया हुआ है, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज इनएक्टिव प्रोटीन। इस इनएक्टिव प्रोटीन में आपका जो रेनिन है वो जाके एक्ट करेगा, ठीक है, आपका जो रेनिन है वो जाके एक्ट करेगा। तो जैसे ही आपका रेनिन एक्ट करता है बच्चों, सही है, मान लो इसके ऊपर क्या एक्ट किया, अब आके रेनिन एक्ट किया, इसके ऊपर रिसेप्टर लगे होंगे, तो ये क्या करता है पता है, रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजेन, भूल जाता हूं मैं नाम, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, सो इस एंजियोटेंसिनोजेन के ऊपर ये एक्ट करेगा और इसको तोड़ देगा। जैसे ही इसको तोड़ेगा बच्चों, यहां से एक दूसरा हार्मोन, दूसरा प्रोटीन बन जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे एंजियोटेंसिन 1, क्या बन जाएगा, एंजियोटेंसिन 1, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, हर एक चीज सुनोगे ध्यान से समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनोगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। क्या बोला मैंने, आपका जो रेनिन है ये गया है आपके ब्लड के अंदर एक पहले से प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन।
ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? आपके रेनिन के साथ रिएक्ट करेगा। रेनिन के साथ रिएक्ट किया, रेनिन ने क्या किया, इसको तोड़ दिया। ये किस में कन्वर्ट हो गया? एंजियोटेंसिन 1 में। फिर इस ये एंजियोटेंसिन 1 जाता है बच्चों आपके लंग्स के पास। कहां जाएगा ये? नेक्स्ट ये जाएगा आपके लंग्स के पास। सही है। लंग्स भी एक इसके ऊपर प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम लोग कहते हैं ए सी ई। ये प्रोटीन भी क्या करेगा बच्चों? इसको तोड़ देगा। इस एंजियोटेंसिन को क्या कर देगा? तोड़ देगा। जैसे ही ये इसको तोड़ेगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों ये एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि देखो मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है। सही है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना बच्चों, इट इज द मोस्ट एक्टिव। और अब शुरू होगा बच्चों इसका काम। बहुत काम करता है ये, बहुत 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 काम करता है। इसके काम की बातें हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? पर ये समझा, ये क्या हुआ समझा? रेनिन कहां से निकला? देखो अभी मैंने समझाया था, रेनिन कहां से निकला? ये आपका रेनिन निकला आपके ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, ठीक है? यहां से रेनिन निकला, रेनिन गया इस ब्लड में घूमते 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 वापस कहां पहुंच गया? वो आपके वेन से वापस चला गया बच्चों आपके इस सेल के अंदर, पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन में चला गया। ब्लड सर्कुलेशन करते करते जब आपका रेनिन पहुंचा आपके लिवर के पास, तो लिवर एक प्रोटीन रिलीज करता रहता है जो कि इनएक्टिव है। पर जैसे ही रेनिन ने उसके ऊपर एक्ट किया, तो वो उस प्रोटीन से क्या बना दिया? एंजियोटेंसिन 1 बना दिया। और फिर ये एंजियोटेंसिन 1 गया किसके पास बच्चों? लंग्स के पास। लंग्स ने क्या रिलीज किया? एक प्रोटीन जिसका नाम है ACE, ठीक है? और ये ACE ने क्या किया? एंजियोटेंसिन 2 बना दिया। नाउ एंजियोटेंसिन 2 इज द मोस्ट एक्टिव प्रोटीन। अब ये काम करेगा बच्चों ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का आपके किडनी के अंदर। देखो आपके ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ हुआ है ना, आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ हुआ है ना, तो अब ये काम करेगा बच्चों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने का, ठीक है? कितने मिनट की क्लास हुई है? 32 मिनट की हो गई है। तो पढ़ लेते हैं ना इसको, छोटा सा ही टॉपिक है, पढ़ लेते फटाफट, छोटा नहीं है और 10 मिनट लगेगा, पर पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है? अब देखो इसके फंक्शन हम लोग को पढ़ने बच्चों। सबसे पहला फंक्शन क्या है एंजियोटेंसिन 2 का? सबसे पहला फंक्शन क्या है वो जरा हम लोग देखते हैं। चलो एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ठीक है? सबसे पहला फंक्शन क्या है? सबसे पहले बच्चों ये जाएगा, सबसे पहले ये जाएगा बच्चों और एक्ट करेगा किसके ऊपर पता है? ये एक्ट करता है आपके इफरेंट एट्रियोल पे और उसको सप्रेस कर देगा। क्या करता है? उसको सप्रेस कर देता है, या फिर आप कह सकते हो इट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? इट कॉन्ट्रैक्ट या फिर इट कॉन्स्ट्रिक्ट द इफरेंट एट्रियोल। अब क्या मतलब है इसका? देखो ध्यान से, क्या मतलब है बच्चों इसका? यहीं पे समझाऊं या एक नया पेज ले ले? चलो एक नया पेज ले लेते हैं, वहां पे तुम लोग को समझाता हूं। थोड़ा सा खिचमिच हो गया था, जैसे हम लोग समझते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो दिस इज इफरेंट एट्रियोल, दिस इज एफरेंट एट्रियोल। ये हम लोग बातें कब से कर रहे हैं पता नहीं, और दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल। अब कंडीशन क्या है मैंने आपको बताई? कंडीशन बच्चों ब्लड प्रेशर है कम, ठीक है? ब्लड प्रेशर है कम। आपने पहले क्या बोला कि सर इसे दबा दो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सही है ना? इसे दबा दो ब्लड प्रेशर बढ़, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ेगा, इसे फुला दो, सही है? पर ये हम नहीं करेंगे। हमारा पहला काम क्या है? पहला काम ये है बच्चों, ये जो आपका इफरेंट एट्रियोल है ना, इसे हम कर देंगे कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है? इसे हम क्या कर देंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब इसे हम और पतला बना देंगे। इसे हम क्या कर देंगे बच्चों? और पतला बना देंगे, जिसकी वजह से बच्चों यहां से जो ब्लड है वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। और अगर यहां पे ब्लड आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो मतलब इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है? इसके अंदर क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। ये एक काम है आपके इसका एंजियोटेंसिन 2 का। एंजियोटेंसिन 2 का पहला काम हम लोग ने सुना, पहला फंक्शन क्या है बच्चों? कि इट कॉन्स्ट्रिक्ट द आपका एफरेंट एट्रियोल, जिसकी वजह से विच लीड्स टू
इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर ऐसा लिख सकते हैं अपन, इंक्रीज प्रेशर इन, इंक्रीज प्रेशर इन ग्लोमेरुलस। सही है, समझ में आ गया, पहला लाइन समझ में आ गया कि भैया जो आपका एंजियोटेंसिन है उसका पहला काम क्या है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है आपके इफरेंट आर्ट्रियोल को, ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है आपके इफरेंट आर्ट्रियोल को। तो इफरेंट आर्ट्रियोल क्या हुआ, कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ। जैसे ही आपका इफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, यहां से जो ब्लड है वो बाहर नहीं जा पाएगा, कम हो जाएगा ना बाहर जाना, तो मतलब इसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई, पहला फंक्शन है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और भी कई सारे फंक्शन, इसके तीन चार फंक्शन होते हैं, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है बच्चों, सेकंड फंक्शन, फंक्शन नंबर टू, दूसरा फंक्शन ये है बच्चों कि आपका जो एंजियोटेंसिन है, दिस एंजियोटेंसिन, अब ये जाएगा बच्चों एक ग्लैंड के, ग्लैंड नहीं, एक और ये है आपका, क्या बोलते हैं इसको, दिस किडनी, हाँ ग्लैंड ही बोलते हैं, और किडनी के ऊपर बच्चों एक ग्लैंड रखा हुआ है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रखा हुआ है ना, मेरे होशियार बच्चों को पता है किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड। सही है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रखा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड। तो अब ये एंजियोटेंसिन जाएगा इस एड्रेनल ग्लैंड के पास। अब आप लोगों को पता है इस एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स, ये वाला कॉर्टेक्स होता है, और ये अंदर वाला मेडुला होता है। सही है, तो ये जाता है बच्चों, ये जो एंजियोटेंसिन है ये जाता है आपके कॉर्टेक्स के पास। ठीक है, किसके पास जाता है, कॉर्टेक्स के पास बच्चों, और ये कॉर्टेक्स से एक हार्मोन को रिलीज करवाता है। ठीक है, यहां से एक हार्मोन को रिलीज करवाता है, इस हार्मोन को हम लोग कहते हैं अल्डोस्टेरोन। ठीक है, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, आगे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, सो इस हार्मोन, ये इस कॉर्टेक्स से, जो कॉर्टेक्स है ना, इस कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलता है बच्चों, इस हार्मोन को हम लोग कहते हैं अल्डोस्टेरोन। ठीक है, दिस हार्मोन इज नोन एज अल्डोस्टेरोन। नाउ व्हाट इज द एक्शन ऑफ दिस अल्डोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन है बच्चों आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन मतलब क्या है, कि ये जाकर एक्ट करेगा किसके ऊपर, इट एक्ट ऑन डीसीटी, डीसीटी के ऊपर एक्ट करेगा एंड आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे। सही बात है, कहां एक्ट करेगा, ये डीसीटी पे एक्ट करेगा और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा, आओ देखें, आओ बच्चे समझे। ठीक है, ये वाला मिटा दूं मैं, ये वाला समझ में आ गया ना, पहला, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन समझ में आ गया, क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग सेकंड वाले फंक्शन की, इसको मिटा रहा हूं मैं, तो मैं मिटा रहा हूं। अब थोड़ी सी बात सुनो, यहां से पीसीटी, सही है, फिर पीसीटी के यहां से लूप ऑफ हेनलेस, और फिर यहां पे आया है आपका डीसीटी, और डीसीटी से यहां से क्या आती है, आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आती है। बात समझ में आ रही है। अब मैंने आपको बताया था कि ये आपकी और भी बहुत सारे, और भी बहुत सारे कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं। सही बात है, और भी बहुत सारे क्या होती है बच्चों, ये कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं। अब आया कौन आपका, अल्डोस्टेरोन। नाउ सेकेंड फंक्शन है आपका अल्डोस्टेरोन का। ठीक है, अल्डोस्टेरोन किसके ऊपर एक्ट करेगा, आपके डीसीटी के ऊपर एक्ट करेगा, डीसीटी के ऊपर एक्ट करेगा, और ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ना, दिस इज द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, या फिर आप इसे कनेक्टिंग डक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, इट इज द कलेक्टिंग डक्ट ऑल्सो, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये जाके इसके ऊपर एक्ट कराएगा बच्चों, और यहां से ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है, यहां से ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, किसका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर का, आयंस का, समझ रहे हो, किसका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर का, आयंस का। अब मान लो इसके अंदर से वाटर वापस निकल के किस में चले गए, आपके ब्लड में चले गए, तो भैया वाटर में ब्लड में अगर वाटर बढ़ गया तो मतलब ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, अगर ब्लड की क्वांटिटी बढ़ गई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो उसका ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन
इट्स ऑल्सो इंक्रीज्ड लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिससे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. समझा मैंने क्या बोला? अल्डोस्टेरॉन किसके ऊपर एक्ट करता है? डीसीटी के ऊपर और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर, या फिर आप इसे कलेक्टिंग डक्ट भी बोल सकते हो. क्या करता है ये? रीएब्जॉर्प्शन करवाता है आपके वाटर और आयंस का. रीएब्जॉर्प्शन करने से क्या फायदा है? जितना भी वाटर है वो इसके अंदर वापस रीएब्जॉर्ब हो गया आपके ब्लड के अंदर, जिसके वजह से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा बच्चों. ठीक है, अब जिस कंडीशन में आपको डिहाइड्रेशन होता है ना, अगर आप पानी कम पियो, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर पानी कम पियो तो क्या होगा? पानी कम पियोगे डिहाइड्रेशन होगा, आपके ब्लड में पानी नहीं होगा. ब्लड में पानी तो चाहिए ना, तो आपका अल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा आपके किडनी वाले रीनल ग्लैंड से, और यहाँ पे वापस इस वाटर को क्या कर लिया जाएगा? आपके ब्लड में डाल दिया जाएगा. समझ रहे हो? तो ये काम है बच्चों आपके अल्डोस्टेरॉन का. एंड दिस अल्डोस्टेरॉन ऑल्सो सिक्रेटेड बाय वूम, सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजियोटेंसिन. समझ में आ गया? थर्ड काम के इसका एक और काम है, तीसरा काम भी है. कहाँ लिखें? हाँ लिखे बच्चों, ठीक है, देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है. अच्छा, एक्शन ऑफ अल्डोस्टेरॉन, एक और इसका एक्शन है, इसका एक और काम है बच्चों, इट इंक्रीज द सोडियम पोटेशियम पंप. वन मोर फंक्शन कहाँ कहाँ पे इंक्रीज करेगा? जैसे मैंने आपको बताया डीसीटी और आपके कलेक्टिंग डक्ट पे, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कुछ भी बोल सकते हो. तो मैं पूरा नहीं बना रहा, मान लो दिस इज द डीसीटी एंड यहाँ पे क्या है आपका कलेक्टिंग डक्ट है. सही है, तो यहाँ पे ये बच्चों इट इंक्रीज द सोडियम पोटेशियम पंप. ठीक है, ये क्या कर देता है? यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप इंक्रीज कर देता है. जिनको सोडियम पोटेशियम पंप नहीं पता क्या होता है, मैं उनको बताता हूँ. सुनो, जिस भी सेल के पास सोडियम पोटेशियम पंप होता है उस सेल में क्या होता है पता है? वहां से 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 सोडियम अंदर आता है. 2 पोटेशियम अंदर आता है. क्या बोला मैंने? समझा, इन द विद द हेल्प ऑफ 1 एटीपी, एक एटीपी के खर्च से. अगर आप एक एटीपी खर्च करोगे तो एक एटीपी के खर्च से 3 सोडियम बाहर गया और 2 पोटेशियम अंदर आया. अब अगर आप देखोगे तो बाहर ज्यादा आयन जा रहा है ना, बाहर 3 आयन जा रहा है और अंदर 2 ही आयन आ रहा है, तो मतलब आयन बाहर भाग रहा है. देखिए, जो आयन है वो बाहर भाग रहा है ना बच्चों. अगर आयन बाहर भागेगा, याद करो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 या लेक्चर नंबर 6 में बताया था कि जहां पर आयन जाएगा वहीं पर वॉटर भी जाएगा. वॉटर भी हमेशा इसके पीछे पीछे जाता है बिकॉज इस आयन के पास है पॉजिटिव चार्ज. याद है मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर में, अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है. वॉटर के पास क्या होता है? HOH. इसके पास क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो इन दोनों के बीच में बच्चों अट्रैक्शन होती है, जिसके वजह से वाटर इस आयन के पीछे पीछे भागता है. तो अगर सेल के बाहर सोडियम निकल रहा है तो मतलब इस सेल से वाटर भी बाहर निकलने लगेगा. समझ रहे हो? वाटर भी क्या हो जाएगा? बाहर निकलने लगेगा. जो मैं आपको बताया ना रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना रीएब्जॉर्प्शन, ये रीएब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. सही है, विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम. वही बात मैंने आप लोग को यहां बताई जो मैंने यहां पे लिखी हुई है. सही है, तो वही चीज है, ज्यादा बाहर आयन ज्यादा जा रहा है तो आयन के पीछे पीछे ही वाटर भी ट्रेवल करता है. सही है, तो वाटर ट्रेवल करेगा क्योंकि इसके पास क्या होता है? देखो मैंने पॉजिटिव लगा दिया ना, पॉजिटिव नहीं, ऑक्सीजन के पास होता है, इट इज Na, ऑक्सीजन के पास होता है डेल नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं दोनों एक दूसरे से, इसीलिए हमेशा जहां जहां आयन जाएगा वहां वहां उसके पीछे वाटर जाएगा. तो अगर आयन यहां से बाहर निकला, 3 Na+ बाहर निकल गए, 2 ही के अंदर आया ना, पोटेशियम 2 ही अंदर आया लेकिन 3 बाहर निकल रहा है, तो ज्यादा आयन बाहर जा रहे हैं जिसके वजह से वाटर भी क्या होने लगेगा? बाहर की तरफ ट्रेवल करता है, बाहर भागने लगता है वाटर भी. सही बात है, इससे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है कौन? आपका अल्डोस्टेरॉन. समझा? क्लियर है? एक और फंक्शन है बच्चों, कहाँ लिखें जरा बताएं, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वहीं उसको मिटा के मैं लिखता हूँ. स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं. भाई इसका कहाँ आ गया? चले यार, हाँ डिलीट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन.
थर्ड फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन। लेट्स टॉक अबाउट बच्चों थर्ड फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन जाता है बच्चों आपके ब्रेन के पास, ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस, याद है आपको नहीं पता होगा शायद, बट इफ यू नो एंड यू हैव टू नो, अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए, आपके ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से ऐसे नीचे यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये ऊपर वाला क्या है हाइपो थैलेमस, ठीक है, ये नीचे वाला क्या है, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सही है। जो आगे वाला पिट्यूटरी होता है बच्चों इसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। तो बच्चों ये आपका जो एंजियोटेंसिन टू है, एंजियोटेंसिन टू जाता है आपके हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से यहां से ऐसे न्यूरॉन आता है नीचे, यहां पे ऐसे न्यूरॉन आता है यहां पे नीचे, और ये इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजियोटेंसिन टू ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला एरिया है ना, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला एरिया है ना, ये यहां से एक हार्मोन को रिलीज करता है। इस हार्मोन का नाम ही है बच्चों ADH, या फिर इसे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, ठीक है। ADH का मतलब क्या है, एंटी डायुरेटिक हार्मोन, एंटी डायुरेटिक हार्मोन, जो भी आपकी बॉडी में यूरिया या फिर यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कम करे वो एंटी डायुरेटिक हार्मोन है। तो ये भी रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा बच्चों, ये भी वाटर को क्या करवाएगा, रिमूव करवाएगा। तो इसका भी काम वही है, अगर ये वाटर रिमूव करके वापस ब्लड में डालेगा तो वापस ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। तो देख रहे हो ये अलग अलग तरीके हैं आपके एंजियोटेंसिन के, ये एंजियोटेंसिन के अलग अलग तरीके हैं जिससे आपका क्या होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अगर ब्लड प्रेशर कम है आपके बॉडी में। तो सोच रहे हो कितना बड़ा मैकेनिज्म है, सही है, क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यही कुछ बच्चों मैंने यहाँ पे लाइनें भी लिखी हुई है, यही कुछ लाइनें लिखी हुई जो आपके टेक्स्ट बुक से ली हुई हैं, ये लाइनें एज इट इज आपके टेक्स्ट बुक से ली हुई हैं बच्चों। तो इसे एक बार रीड करते हैं फिर इसके बाद इस लेक्चर को अपन खत्म करेंगे। आई नो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बन गया पर कोई बात नहीं। क्या है सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, इट कंस्ट्रिक्ट द एट्रियोल्स, मैंने आपको समझाया कौन सा एट्रियोल, एफरेंट एट्रियोल, यहां पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो इट कंस्ट्रिक्ट द एट्रियोल इन किडनी, देयर बाय रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया एंड इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, वही चीज मैंने भी बताई, वही चीज यहां पे भी लिखी हुई है कि भैया ब्लड फ्लो कम हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अंदर जो आपका ग्लोमेरुलस वाला एरिया था वहां ब्लड प्रेशर बढ़ गया। सो वही चीज जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट स्टिमुलेट पीसीटी सेल, ठीक है, इट स्टिमुलेट पीसीटी सेल टू एनहांस रीअब्सॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर, ये थोड़ा सा नया है, बस वही चीज है, ये भी क्या करवाता है पीसीटी सेल के पास जाता है आपके और उनको भी बोलता है कि भैया एक काम करो रीअब्सॉर्प्शन करवाओ, किसका, Na का, Cl का और वाटर का, ये भी बढ़िया चीज है। फिर थर्ड क्या है बच्चों, इट स्टिमुलेट एड्रीनल कॉर्टेक्स, क्या बोला मैंने, बताया था ना आप लोग को, देखो यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड कहाँ गया, एड्रीनल ग्लैंड मिटा दिया क्या मैंने, हाँ देखो एड्रीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड है और एड्रीनल ग्लैंड का एक कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, एक मेडुला वाला रीजन होता है, तो ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को क्या करता है ये स्टिमुलेट करता है बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है इट स्टिमुलेट एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज अनदर हार्मोन, टू रिलीज अनदर हार्मोन, दूसरा हार्मोन रिलीज होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं अल्डोस्टेरोन, और अल्डोस्टेरोन क्या करता है, अल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, किसको स्टिमुलेट करता है वो डीसीटी को और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करता है जिससे रीअब्सॉर्प्शन हो सके। देखो जगह नहीं बचा था इसलिए मैंने रीअब्सॉर्प्शन करवा दिया, रीअब्सॉर्प्शन आप लिख सकते हो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर आयंस, ये सब आप लिख सकते हो, क्लियर है। सो दिस इज द ट्रिपल फंक्शन, दिस इज द ट्रिपल एक्शन, और एक और मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया फंक्शन जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, कौन सा, आपके हार्मोन वाला, ब्रेन वाला, ब्रेन के पास जाता है हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास जाता है, पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है ADH, एंटी डायुरेटिक हार्मोन, जिसे हम लोग वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, और एंटी डायुरेटिक का मतलब ही वही है कि भैया जो काम ये कर रहा था ना वही एंटी डायुरेटिक भी करेगा, सही है। तो आपकी बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होती है तो भी यही सारे हार्मोन आपके बॉडी से रिलीज होते हैं और आपके बॉडी में यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कम करके ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन का, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो पानी ज्यादा पिया करो, इसीलिए कह रहा हूँ पानी ज्यादा पिया करो ताकि ये नौबत ना आए आपके बॉडी के लिए और आपके बॉडी में अच्छा कॉन्सेंट्रेशन ब्लड का रहे।
सही बात है, ठीक है। तो बच्चों इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया पर कोई बात नहीं। जो भी बच्चे ने इस लेक्चर को यहां तक देखा है, मुझे पता है कि आपको कई सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और एक दो लेक्चर लगेगा इस लेसन को खत्म करने में, थोड़ा डिजीज वाला पार्ट है, थोड़ा वो तो छोटा छोटा पार्ट है, उसको हम लोग फटाफट खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना, मुझे फॉलो कर लेना वहां पे, सही है। और जो भी आपके डाउट है वो भी वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, चलेगा। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, अपना ध्यान रखो, ठीक है।